हाँ जी बेटा, सेवन वंशिका, अभी मुझे यस मैम। बताइए जो मेरे हाथ में ये जो सर्किट है, इट इज ओपन और क्लोज्ड? मैम ओपन ओपन, वेरी गुड। व्हाई इट इज ओपन? क्योंकि मैम बिकॉज इट इज नॉट ऑन। बल्ब ऑन नहीं हो रहा है। अगर बल्ब ऑन नहीं हो रहा है तो इट मींस इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है? इट मींस इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो दिस मींस दिस सर्किट इज ओपन, ठीक है? अब ये देखो, अब इस वायर को मैंने लेड के साथ कनेक्ट किया, कुछ हो रहा है? ये देखो, देखो इज द बल्ब यस? इज ये देखो बंद हो गया। अब मैंने इसको फिर से लगाया, ये देखो बल्ब इज ग्लोइंग, यस लुक। तो अब यस ग्लो कर रहा है, तो इट मींस द सर्किट इज कंप्लीट। कंप्लीट एंड नाउ इट इज कॉल्ड अ क्लोज्ड सर्किट। समझ आई बेटा? देखो, सर्किट इनकम्प्लीट होने का तो बहुत सारे। अब यहाँ पर जो ये पेंसिल है हमारी, ये कैसे काम कर रही है? एक कंपोनेंट होते हैं हमारे सेल के अंदर, सेल हो गया, बैटरी हो गई, बल्ब हो गया, कनेक्टिंग वायर्स हो गई। एक और भी तो चीज होती है जिसके कारण करंट ऑन या ऑफ होता है। स्विच वेरी गुड। स्विच बोल सकते हैं, या उसको हम और क्या नाम से बोलते हैं? यस, की हम बोलते हैं। तो यहां पर जो हमारी पेंसिल है, इट इज एक्टिंग लाइक अ स्विच और अ की। हम अपने इलेक्ट्रिक सर्किट को, मुझे फैन ऑन करना है, फैन ऑफ करना है, ठीक है, लाइट ऑन करनी है, ऑफ करनी है, तो हमें क्या, किस चीज से ऑन या ऑफ करना कंफर्टेबल लगता है? स्विच स्विच। अगर स्विच मुझे ट्यूब ऑफ करनी है तो मुझे ट्यूब के होल्डर से निकालनी इसी लगेगी, या उसके स्विच को ऑफ करना? स्विच को ऑफ ऑफ करना। करना। तो यही काम होता है बेटा। स्विच सर्किट में काम क्या करता है, हम सर्किट को इमीडिएट ऑन या ऑफ कर सकते हैं बाय यूजिंग अ स्विच। देखो, अब फिर ये मेरा सर्किट हो गया, ये ऑन हो गया, बल्ब ऑन है, द सर्किट इज क्लोज्ड, ये मैंने हटा दिया, द सर्किट इज ओपन। आई होप ये सबको क्लियर हो गया। तो अभी ओपन और क्लोज में बच्चों गड़बड़ नहीं करनी, काफी स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं इसके अंदर, ठीक है? चलिए, ये समझ आया टॉपिक? समझ आया बेटा ये वाला? चलिए, जस्ट अ मिनट, लेट मी सेट द बोर्ड। अभी ठीक है। हाँ जी बेटा, चलिए करें बेटा आगे काम। अब मेरे को ये बताइए, ये जो सर्किट बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड द सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। बेटा हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि एमीटर। मैं वोल्ट मीटर हाँ जी, एमीटर होता है, आपने देखा है एमीटर कैसा होता है? यस, वोल्ट मीटर होता है। मैम आपको, आपने देखा है स्कूल में एमीटर और वोल्ट मीटर? हैव यू सीन? नो नहीं देखा? मैं दिखाती हूँ अभी आपको, ठीक है? सो दिस सर्किट इज कॉल्ड द सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब जिसमें बस वायर्स हैं, स्विच है, बल्ब है और की है, तो वो होता है हमारा सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। बट जिन इलेक्ट्रिक सर्किट्स पे एमीटर भी लग जाए, वोल्ट मीटर भी लग जाए, एक बल्ब लगा हुआ है, एक फैन लग गया, एक लाइट लग गई, बहुत ज्यादा कुछ लग गया, तो वो हमारे सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं होते, ठीक है? अब मैं इस जो पेंसिल थी ना बेटा, इसकी जगह हम और क्या यूज कर सकते थे? व्हाट एल्स वी कैन यूज इंस्टेड ऑफ दिस पेंसिल? स्क्रू मैम स्क्रू सिंपल यूज, सेफ्टी सेफ्टी पिन पिन, मैम वेरी गुड, पेपर पिन मैम स्विच पेपर पिन, वेरी गुड। कैन आई यूज वुड? नो क्यों यूज नहीं कर सकते? बिकॉज मैम क्योंकि वुड नॉट इज अलाउड इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी वुड इज, वेट पेपर यस,
वुड करंट ही नहीं पास होने देगा अपने में से। और देखो एक और इजी चीज, यू कैन यूज एल्यूमिनियम फॉयल ऑल्सो विच इज एट योर होम। कई बार होते हैं ना कनेक्टिंग वायर नहीं है, तो इस एल्यूमिनियम फॉयल को फोल्ड कर करके कनेक्टिंग वायर बना ली हमने, और इसी को हमने सर्किट में ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो एल्यूमिनियम फॉयल कैन ऑल्सो बी यूज इंस्टेड ऑफ पेंसिल। देखो यहाँ पर ये जो चीजें हैं, हम इन सबको कैसे यूज कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ स्विच, डायरेक्टली स्विच ना लगाकर हम इन चीजों को यूज कर रहे हैं एज अ स्विच। सो स्विच के तो बहुत सारे ऑल्टरनेट मिल गए ना आपको, कनेक्टिंग वायर का ऑल्टरनेट मिला, कनेक्टिंग वायर का क्या ऑल्टरनेट मिला अगर आपके पास कनेक्टिंग वायर है नहीं? एल्यूमिनियम फॉयल, कनेक्टिंग वायर थोड़ी रह गई है ना, या है ही नहीं, तो हम उसकी जगह एल्यूमिनियम फॉयल को रैप करेंगे, पतली पतली उसकी स्ट्रिप बनाएंगे और उसको एज अ कनेक्टिंग वायर यूज करेंगे। ऑल दो ये बहुत ज्यादा ब्रिलियंट काम नहीं करेगा, बट काम चल जाएगा, इसमें से करंट अच्छा खासा फ्लो कर जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बच्चे ये चीज? सो दिस इज अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट और ये इसका डायग्राम बनाया गया, ये बल्ब बनाया गया है। अच्छा एक बैटरी ऐसी भी होती है, पता है आपको? देखिए ये बैटरी यस ब्लू से कलर की, किस किस ने देखी हुई है? वाह, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने देख रखी है, वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छी बात है, मेरे दूसरे रूम में पड़ी है, अगर किसी ने देखनी है तो मैं लाकर दिखा सकती। क्या बच्चे, डू यू हैव? मैं आई डू शो यू यस हैव? दिखाओ। आई शो हाँ, दिस वन दिस वन दिस वन, वेरी गुड। ठीक है, तो इसमें क्या बेनिफिट होता है कि हमें बहुत ज्यादा सेल्स के कॉम्बिनेशन को जोड़ना नहीं पड़ता, एक सिंगल पीस से काम चल जाता है। इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, विद इन इसी के दो तीन सेल्स एंड इस... दिस इज हाँ जी हाँ जी बेटा, दिस वन दिस वन, 7th। ठीक है ठीक है, कैरी करते हो बैटरी अब स्कूल लाते हो? हाँ प्रोजेक्ट अच्छा, फॉर द प्रोजेक्ट, फिर ठीक है। चलिए अभी मैं आपको क्या दिखाऊं, वोल्ट मीटर एंड एमीटर यू वांट टू सी? जस्ट अ मिनट, देन दूसरे रूम में आई एम कैरिंग ब्रिंगिंग दैट। ये पतली सी की पड़ी थी यहाँ पर, बच्चे कहते हम नहीं देख रहे। चलिए फिर जूम करना है। चलिए मुझे आज आपको इलेक्ट्रिक बल्ब भी शो करना है, ठीक है? ये देख के फिर हम इलेक्ट्रिक बल्ब की थोड़ी सी फंक्शनिंग को देखते हैं। ये देखो बेटा, दिस इज हाउ द वोल्ट मीटर एंड एमीटर लुक्स। ठीक है, ये जो दो वायर्स है बेटा, ठीक है, रेड वायर जहां पे भी लगी हुई है, ये जो टर्मिनल है बेटा, आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बॉक्स में फिटेड है, जस्ट अभी देखो, आपको यहां पर पॉजिटिव लिखा दिख रहा है? नो नहीं दिख रहा, इट इज नॉट विजिबल, मैं जूम कर लेती हूँ बेटा। और मतलब ब्राइट कर दो. सही है. अभी तो दिख रहे, तो दिख सी रहे. दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। अब इसका पर्पस क्या होता है पॉजिटिव? देखो इसमें बीच में वी लिखा दिख रहा है आपको, यस वी स्टैंड फॉर वोल्ट मीटर, एंड यहाँ पर आपको नंबर्स दिख रहे हैं। दिस विल शो द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है? जो हमारे सेल होते हैं ना बेटा, ये वाले, इनका कुछ पोटेंशियल होता है,
ये थोड़ा सा बड़े होकर पढ़ो कि क्या चीजें होती है पोटेंशियल। जो ऐसे हम बोलते हैं ना, 2 वोल्ट का सेल है, 1.5 वोल्ट का सेल है, ये जहां पर भी वोल्ट की बात होती है ना, इतनी हम सेल की पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो सेल का कितना पोटेंशियल है, या सर्किट में कितनी वोल्टेज जनरेट हुई, कितना पोटेंशियल हमारे सर्किट में आया, वो ये हमारा वोल्ट मीटर बताता है। ठीक है बच्चे, तो देखो इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव है। इस पॉजिटिव का क्या मतलब है कि पॉजिटिव को हमने सेल के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है, पॉजिटिव विद पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली इसमें से एक वायर निकालेंगे और सेल में एक वायर डाल देंगे, तो दो वायर्स के साथ कनेक्ट। और सेल के नेगेटिव टर्मिनल को, नेगेटिव पार्ट को, वोल्ट मीटर के नेगेटिव पार्ट से कनेक्ट। पार्ट ठीक है बच्चे, दिस इज वोल्ट मीटर। सिमिलरली वी हैव व्हाट वी हैव एमीटर, सेम सब कुछ सेम है, रीडिंग वीडिंग इसके ऊपर सब सेम तरीके से, बट ये इसका काम क्या होता है, करंट को फाइंड करना कि हमारे सर्किट में कितना करंट है। ठीक है बच्चे, कितना करंट है, देखो इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है आपको, एमीटर लिखा हुआ है, यार 0 to 5 एम्पियर करंट की यूनिट ए होती है, एम्पियर, इसलिए ए लिखा। ठीक ठीक है, है तो ये 0 to 5 तक यहाँ पे रीडिंग है। एमीटर और भी तरह के आते हैं, जिसपे 0 to 10 तक रीडिंग हो, 0 to 15 तक रीडिंग हो, अलग अलग तरह के स्ट्रेंथ के लिए अलग अलग तरह के एमीटर प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज क्लियर, यस देख लिया हमने क्या क्या देख लिया, सेल देख लिया, बैटरी को देख लिया हमने, और क्या देख लिया, एमीटर, वोल्ट मीटर। अब ये तो सारी चीजें हमने देख ली, अभी इसमें से कुछ पूछना है किसी ने? नो चलिए, वर्कशीट है नहीं है आपके पास, तो थोड़ा सा शो कर देती हूँ मैं बल्ब। अच्छा, आपने इलेक्ट्रिक बल्ब देखा सबने? हमारे जो सर्किट्स होते हैं बेटा, हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस पे काम करता है, क्या क्या उसके पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या उसके एप्लीकेशंस है इलेक्ट्रिक करंट की? क्या इलेक्ट्रिक करंट हीट प्रोड्यूस करते हैं? कब देखा आपने? हाउ यू कम टू नो कि करंट पास होता है तो हीट आती है? When it व्हेन? charge for some time, और कहाँ कहाँ देखा है हीटिंग को, कि करंट पास करने से हीट आएगी, अदरवाइज हीट नहीं आएगी? हमारे घर में डे टू डे लाइफ heater. हीटर, वेरी गुड, और कुछ? I will see in bulb. बल्ब, वेरी गुड, Have seen heater. हीटर हो गया, गीजर, 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 वाटर हीटर, वाटर हीटर, आयरन, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, ओवन, बिल्कुल। माइक्रोवेव, तो इट मींस एवरीवन हैज सीन समथिंग नियर अबाउट यू, कि जब करंट पास होता है, जब हम स्विच को ऑन करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनके अंदर ऐसी चीज है जो कि गर्म होने लग जाती है, राइट? तो क्या किसी के अंदर कुछ होता है, जैसे कि हर एक डिवाइस के अंदर, जैसे कि आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन का जो हमारा बेस होता है, सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक आयरन, दिस इज द बेस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन, तो इसमें क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक स्टोव, हाँ, वो बेटा जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीजें हैं उनमें सब में, तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, ऐसे 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 ना कॉइल लगी होती है, स्प्रिंग होता है ना जैसे आपका, तो यस, ये बाहर निकल जाती है, जिसके साथ फिर इसके ऊपर इंसुलेशन होंगी, और ये पार्ट फिर किसके साथ लग जाएगा, हमारे प्लग के साथ। ठीक है, यहाँ से वायर्स निकल जाएंगी और फिर ये हमारा स्विच के साथ पार्ट कनेक्ट कर देते हैं हम, इसके साथ 3 पिन प्लग लगा होता है ना, ऐसे ही होते हैं यहाँ पे, फिर हमारे पास 3 होल्डर वाला पिन होगा कोई, उसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे, ऐसे ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, स्विच होगा, कहीं ना कहीं हम ऑन कर देंगे, जैसे ही ऑन करेंगे आयरन गर्म होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कॉइल। अब ये जो कॉइल होती है ये किसकी बनी होती है? हाँ, कॉपर, कॉपर की? कॉपर,
एल्युमिनियम की? नो बेटा, एल्युमिनियम की नहीं होती, एलॉयज की, एलॉयज की होती है एल्युमिनियम जो। अच्छा ये क्या है जो आपने नाम लिया एल्युमिनियम, कॉपर, ये क्या है? ये सारी चीजें, मेटल्स दीज आर मेटल्स मेटल्स। और मेटल्स का मेटल्स मेटल्स का बेटा मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब अगर उनको जल्द हीट करोगे तो वो जल्दी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, बहुत ज्यादा हीट वो सहन नहीं कर सकती। बट हमें तो यहाँ पर ऐसी चीज ऐसे चाहिए ना जो कि हाई हीट को सहन कर सकें और फिर भी वो मेल्ट ना हो, ऐसा कुछ चाहिए ना। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं एलॉयज। एलॉयज होता क्या है? दो तीन मेटल्स को मिक्स करके एक नई चीज बनाई जाती है जिनमें क्या होता है, जो हीट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, बढ़ जाता है। मतलब क्या है कि जो चीज पहले 80 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो रही थी, दो तीन हमने इस तरीके के मेटल्स मेल्ट को कंबाइन किया जिससे कि अब वो सब्सटेंस हमारा 80 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पर मेल्ट हो, पर जैसे 130 पे मेल्ट होगा। पहले जो चीज 80 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रही थी, अब वो 130 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रही है। तो आप इस आयरन में ये प्रेफर करोगे या ये प्रेफर करोगे? 130 डिग्री। यही एलॉयज का बेनिफिट होते हैं। ठीक है बच्चे, इज दैट क्लियर? अब हम थोड़ा सा, हाँ वेरी गुड। किसने कुछ पूछना हो तो बेटा बता देना साथ साथ में। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक बल्ब। आपने ये बल्ब देखा है सबने, प्यारा सा, आजकल कोई पूछता नहीं है इसको, है ना? है किसी के घर में ये वाला बल्ब? है कुछ स्टूडेंट्स? वाह जी वाह। यस और इसको क्लोज से कितने बच्चों ने देखा है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव सीन इट? अच्छा काफी बच्चों ने देखा है। कहाँ देखा? क्लास में देखा? एट होम। और क्या क्या देखा इसके अंदर? देखो दिखा रही हूं मैं, क्या क्या दिख रहा है इसमें, तो थोड़ा सा जूम करो। फिलामेंट अच्छा फिलामेंट कहाँ पर? इस बल्ब में तो दिख ही नहीं रहा, बेचारा गिरा हुआ है इसका तो। हाँ बट फिलामेंट होता है। ठीक है, पहले थोड़ा सा ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है डायग्राम, इसको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो, दिस इज अ बल्ब। बेसिकली ऐसा ही होता है, बल्ब ऐसे ही होता है ना? अब यहां पर हम, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज दिस कॉल्ड? ग्लास 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 केस। हम इसको क्या बोल सकते हैं? दिस इज अ ग्लास केस ग्लास केस। ग्लास ग्लास का ही क्यों बना होता है? क्योंकि अगर किसी और मटेरियल का बना दिया तो लाइट कैसे बाहर आएगी? आएगी भी तो उतनी पॉजिटिव ज्यादा ट्रांसपेरेंट बाहर। हाँ उतनी ग्लास इज ज्यादा, ट्रांसपेरेंट बिकॉज ग्लास इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हाँ ग्लास इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ग्लास हीट कंडक्ट नहीं बेटा, कंडक्टर वो होते हैं जो अपने में से हीट एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएं, उनको कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर का मतलब क्या होता है? कंडक्ट मतलब एक यहां से चीज चलनी शुरू हुई और वो अपने में से यहां से चलनी शुरू हुई और वो अपने अंदर से दूसरे पॉइंट पर ले जाए, उनको कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ग्लास सिर्फ हीट को पास कर रहा है अपने में से, ठीक है, वो कंडक्ट नहीं कर रहा कि ग्लास में यहां से हीट चलनी शुरू हुई, यहां गई यहां गई, ऐसे नहीं मूव कर रही हीट इसके अंदर। हीट तो बस यहां प्रोड्यूस होती है जो कि बाहर निकलती है ग्लास केस में से इजीली, इसलिए ग्लास केस यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक है, वो सारी हीट अपने में से ट्रांसमिट होने देता है, निकलने देता है बाहर, तो इसलिए यूज करते हैं। दूसरी चीज देखो, ये ग्लास केस हो गया, चलो उसके बाद, ये तो हमारा था ग्लास केस। आगे चलते हैं, ये क्या चीज होती है? व्हाट इज दिस कॉल्ड? फिलामेंट। फिलामेंट फिलामेंट अब जो हमारे बल्ब है ना, फिलामेंट इसमें मेन ग्लोइंग का रीजन क्या है? दिस इज फिलामेंट।
ये फिलामेंट ही ग्लो करता है और नहीं कुछ ग्लो करता है इसके अंदर। इतना बड़ा जो बना हुआ है बल्ब, ये सिर्फ इसका स्ट्रक्चर है, और जो इसमें फिलामेंट है ये इसमें ना आपको हिलता हुआ दिख रहा है कुछ अंदर? नो नहीं दिख रहा अभी, दिखाओ no. करके। अभी देखो क्यों यहां पर एक पॉइंट, यहाँ इस साइड दिखेगा आपको, ये देखो वायर दिख तो रही है बेटा कितना क्लियरली। दिस ये फिलामेंट है, ब्रोकन फिलामेंट, इट मींस फिलामेंट टूट भी सकता है, इसीलिए ये दिखाया गया है। ठीक है, जुड़ा हुआ तो आप सबने देखा है, टूटता है तो यस ऐसे तक जाता है। ठीक है, अब ये चीज है फिलामेंट। अब ये फिलामेंट किसका बना हुआ है? ये बना होता है कौन बताए? टन टंगस्टन। टंगस्टन, अब ये टंगस्टन क्या है? टंगस्टन, इट इज अ मेटल। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया कि हम मेटल यूज नहीं करते ज्यादा हीट के लिए, बट यहां पर हमारी मेटल क्यों यूज हो रही है? हां जी, क्योंकि टंग, कहना हां जी कौन बात बोल रहा, कहना है? हां मैम 7th D मैम, जी बता दो बेटा। क्योंकि इसके नीचे मैम एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें नाइट्रोजन कार्बन होती है जो कि इसको प्रोटेक्ट नहीं, बिल्कुल नहीं। नाइट्रोजन डेफिनेटली होती है, इसको प्रोटेक्ट भी करती है, बट इसलिए टंगस्टन यूज किया जाता है ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन होती है, इसके नीचे नहीं होती। ये जो बल्ब है इस खाली जगह में, जैसे हम इस कमरे में आप बैठे हो, जिस रूम में, क्या आप ऑक्सीजन देख पा रहे हो? नो नहीं है ना, बट सांस तो ले रहे हो ना। दिस प्रूव्स दैट यस हैज ऑक्सीजन, है ना? ऐसे इस बल्ब के अंदर बेटा गैस होती है नाइट्रोजन। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन आपने चिप्स खाए हैं सबने? यस कोई बच्चा जो नहीं खाता चिप्स? सब खाते हैं, है ना? तो वो पैकेट जो फूले हुए होते हैं उनमें हवा भरी होती है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन नाइट्रोजन भरी उन चिप्स के पैकेट में क्या फिल्ड होता है बेटा? नाइट्रोजन गैस फिल्ड होती है। उस नाइट्रोजन गैस की फिलिंग का और इसमें जो नाइट्रोजन गैस फिल्ड है, दे बोथ हैव द सेम रीजन। देखो, बल्ब में जो नाइट्रोजन गैस है और जो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस है, दोनों का एक ही रीजन है फिल होने का। अब ये क्या रीजन है? पहले हम टंगस्टन का देख लें एक बार। चलिए, टंगस्टन मेटल क्यों यूज करते हैं बेटा? इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये बहुत जल्दी मेल्ट नहीं होती, ठीक है? बहुत जल्दी, ऐसा नहीं कि 200 डिग्री सेल्सियस मिला, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया तो ये मेल्ट हो जाएगी। नहीं, ये मेल्ट नहीं होगी जल्दी से, ठीक है? इसलिए हम टंगस्टन मेटल का यूज मैडम। करते हैं। टंगस्टन मेटल का बेटा सिंबल होता है कैपिटल W। टंगस्टन मेटल का सिंबल क्या होता है? कैपिटल W। हर एक चीज का सिंबल होता है, जैसे आपने हाइड्रोजन का सिंबल पढ़ा होगा, हाइड्रोजन का सिंबल क्या लिखते हैं हम? H। एच ठीक है, ऐसे ही कार्बन का भी लिखती हूँ, सी सी ऐसे ही टंगस्टन का सिंबल होता है कैपिटल W। ठीक है, अब इस बल्ब में फील्ड क्या होता है बेटा? अभी पढ़ा हमने नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और इसका सिंबल नाइट्रोजन N। इसका अब अगर मेरे पास नाइट्रोजन गैस नहीं है तो हम क्या फिल कर सकते हैं? उसकी कोई ऑप्शन? सिंबल आर्गन, वेरी गुड। और क्या फिल कर सकते हैं? बहुत सारी गैसेस हैं बेटा जो हम फिल कर सकते हैं। हम आर्गन फिल कर सकते हैं, हम हीलियम फिल कर सकते हैं, हम क्रिप्टॉन फिल कर सकते हैं, ठीक है, हम नियॉन गैस फिल कर सकते हैं। बहुत सारी गैसेस हैं जो हम फिल कर सकते हैं। ये सारी वो गैसेस हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती, ठीक है? करेंगी भी तो बहुत ज्यादा स्लो, ठीक है? अच्छा, आप मुझे ये बताओ, इस बल्ब के अंदर ऑक्सीजन फिल क्यों नहीं की? मैम, हां जी बेटा, मैं ऑक्सीजन के साथ कौन मैं सी गैस ऑक्सीजन का रिएक्ट करती कंडक्टर है? ऑफ हीट। बेटा बहुत सारी है, कार्बन है ऑक्सीजन के साथ, तो बहुत ज्यादा चीजें हैं, फॉस्फोरस है, कार्बन है, नाइट्रोजन भी कुछ हद तक करती है, सल्फर है, मेटल्स
ऑल मेटल्स, जितनी भी मेटल्स हैं, आप मैग्नीशियम पढ़ते हो, सोडियम पढ़ते हो, एल्यूमिनियम आपने बोला, कॉपर आपने बोला, कैल्शियम, ये सब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, या आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे आप सारी चीजें? ठीक है, चलिए। चलिए, इसके बाद उसके बाद हम यहाँ पर हम यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्यों नहीं क्यों करते? नहीं? मैम बिकॉज, ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्निंग। हाँ, बर्निंग का मतलब क्या होता है? जितनी ज्यादा ये जल्दी, ये बर्निंग वाली गैस है, ये बहुत जल्दी बर्न हो सकती है, उतनी ही जल्दी ये जो हमारी टंगस्टन मेटल है ये खराब हो जाएगी। ठीक है, ये बल्ब फ्यूज होता कब है? जो ये टंगस्टन वायर है ना बेटा, यहाँ पर जो वायर है ये धीरे धीरे करंट पास होता रहता है, जैसे जैसे बल्ब चलता रहता है, हमने ऑन किया, घंटा 2 घंटे ऑन रहा, फिर बंद कर दिया, फिर ऑन कर लिया, फिर बंद। या फिर बंद तो जितनी बार ये ऑन होता है ना, ये जो फिलामेंट है ये थोड़ा थोड़ा करके थिन होता जाता है, इसकी थिकनेस कम होने लग जाती है। ठीक है, कम होगी तो क्या होगा? एक स्टेज पर आकर कहीं ना कहीं से ये टूट जाएगा। जैसे च्युइंगम है, च्युइंगम को आप खींचते जाओगे, खींचते जाओगे, खींचते जाओगे, क्या होगा? कहीं ना कहीं से वो थिन हो जाएगी और वहां से वो टूट जाएगी। तो ये जो फिलामेंट है ये भी कॉन्टिन्यूस जब ये बल्ब ऑन होता है तो ये फिलामेंट धीरे 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 क्या हो जाएगा? मेल्ट होने लग जाएगा, हल्का हल्का। ऐसा नहीं कि पानी टपकता हुआ आपको दिखेगा कुछ, ऐसा नहीं। ठीक है, जिसके कारण ये धीरे धीरे थिन हो जाएगा और बीच में से कहीं ब्रेक हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाता है, करंट फ्लो करना बंद कर देगा। अभी हमने पढ़ा ना ओपन सर्किट क्लोज्ड सर्किट, तो अगर ये यहां से टूट गया बीच में से तो क्या बचेगा इसके पास? ऐसा और ऐसा, तो बीच में से तो गैप आ गया ना, तो ये करंट फ्लो नहीं करेगा। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया करंट फ्लो करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल होना जरूरी है, पॉजिटिव और नेगेटिव होना जरूरी है। ठीक है, तो बल्ब में कभी कभी पॉजिटिव नेगेटिव होता है? बल्ब में होता है पॉजिटिव नेगेटिव? करंट तो फ्लो ही नहीं कर सकता ना पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बिना। तो यहां पर कहां पर है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल? यहां पर है, देख रहे हो बल्ब के नीचे दो होल, दो पॉइंट्स दिख रहे हैं ब्लैक के ऊपर, है ना? वी और ये कांट साइड, सी हाँ डी ये एम साइड पे आपको दिख रही है दो पिंस, ये छोटे छोटे से छोटे देखो छोटे निकले हुए हैं बाहर को। ठीक है, यस तो ये क्या है आपकी? यही आपके यहाँ पर टर्मिनल्स का काम कर रहे हैं, इसी को ये जब हम बल्ब डालते हैं ना होल्डर के अंदर, इनको हैंडल करने इनको के लिए बने होते हैं, और फिर एक साइड से पॉजिटिव और एक साइड से नेगेटिव, पॉजिटिव बल्ब में आएगा और दूसरी साइड से नेगेटिव बाहर आ जाएगा। ठीक है, सो बल्ब, चलिए ये सेवेंथ बी बेटा क्या हो गया? चलिए, बल्ब का क्लियर हो गया बेटा सबको? सबसे बड़ा आ यस गया आपको सबको कि बल्ब में नाइट्रोजन गैस क्यों फिल होती? अच्छा, हमने लिंक नहीं किया चिप्स वाले क्वेश्चन से, बस एक मैं ये कंप्लीट कर दूं। नाइट्रोजन गैस का काम क्या था? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन ना होना और हमारे फिलामेंट को खराब होने से बचाना। अब जो चिप्स के पैकेट होते हैं वो भी फूले हुए होते हैं, उनमें नाइट्रोजन गैस क्या करती है? देखो, हमारा कोई भी फूड कब खराब होता है? सेवेंथ है, एक स्टूडेंट बताना चाह रहा है। हाँ जी बेटा बोलो। नाइट्रोजन इज फिल्ड इन लेस चिप्स पैकेट्स बिकॉज सो दैट बैक्टीरिया कैन नॉट ओरिजिनेट इन देम। ओके, वेरी गुड, बैठ जाओ। और बैक्टीरिया क्यों बनेंगे, क्यों ओरिजिनेट हुए? जब हमारे फूड, खाने पीने की चीजें ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाती हैं, तभी कहते हैं ना चीजों को ढक के रखो, फ्रिज में रखो, एयर टाइट कंटेनर में रखो। हमारे जो बिस्किट्स हैं, नमकीन वगैरह, स्नैक्स होते हैं, हम उनको एयर टाइट कंटेनर में इसीलिए रखते हैं ताकि हवा ना चली जाए उनके अंदर। हवा चली गई तो बैक्टीरिया स्टार्ट हो जाएंगे बनने और हमारा फूड खराब हो जाएगा। अब चिप्स के पैकेट में जो नाइट्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन को पैकेट के अंदर नहीं आने देती। ऑलरेडी वो ठीक है, ऑल्दो वो इंसुलेटेड होता है सारी तरफ से, बट एट द टाइम ऑफ पैकेजिंग, जब चिप्स फिल किए पैकेट के अंदर,
और उसको सील किया गया, ठीक है, जैसे ये पैकेट था इसके अंदर चिप्स डाल दिए, अब इसको सील करने के टाइम तक तो हवा चली गई ना इसके अंदर, तो हवा को हटाने के लिए नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं, ठीक है, इसलिए हमें फिर ये नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन को आने नहीं देगी और हमारा फूड ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा नहीं। जैसे यहां पर नाइट्रोजन ने टंगस्टन को खराब होने से बचाया। हाँ एक्सक्यूज मी मैम, अगर जी बेटा, हमारा फूड में वो मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही हूँ तो मैं फिर क्या होगा? बेटा करता है बट इतनी जल्दी खराब नहीं ना होता। अगर आपने चिप्स खाने स्टार्ट कर दिए, 10 मिनट बाहर रख भी दिए, तो इतनी फास्ट बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती है। होती है बट ऐसा नहीं कि आप उस चीज को आप खा ही नहीं सकते हो। आप अपना लंच भी खाओगे तो टिफिन खुला ही होगा, और मीन टाइम जब लंच बॉक्स पैक हुआ होगा तब ऑक्सीजन भी उसके अंदर रही होगी। इतनी जल्दी नहीं खराब होती है चीजें। बट लॉन्ग टर्म चिप्स के पैकेट को क्यों? क्योंकि आज मैन्युफैक्चरिंग हुई, आज पैकेजिंग हुई, तो अगले दिन ही थोड़ी कोई खा लेगा उसको। उसको सेल होने में, एक सिंगल पैकेट को क्या पता किसी शॉप पे 1 महीने बाद सेल हो वो वाला पैकेट, राइट बेटा? समझ आई है चीज? यस ठीक है, तो इसलिए उसमें फिल किया जाता है। हमारे फूड इतनी, अभी हम मिल्क को फ्रिज में क्यों रखते हैं? दूध को, जो हमारा फ्लोर होता है, ऑक्सीजन जो वीट फ्लोर होता है, वो तो बाहर पड़ा रहता है किचन में। मिल्क को हमें इमीडिएट फ्रिज में रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो फ्लोर है वो इतना ज्यादा बैक्टीरियल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं होगा, इतनी जल्दी उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी जितनी जल्दी मिल्क में स्टार्ट हो जाएगी। ड्राई चीजों में स्लो होती है, वेट चीजों में फास्ट होती है। एनी हाउ, वापिस यहाँ आते, एक समझ आ गया नाइट्रोजन का कॉन्सेप्ट? समझ आ गया? यस। चलिए, तो यहाँ पर ये सब समझ आ गया। ये तो सिंपल चीजें, मेटल केस होते हैं, हाँ जी, ठीक है, जिसके अंदर से वायर निकल रही है। ये एक इसकी क्या है, ग्लास ट्यूब होती है। आपको यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, बस दिस इज द लास्ट वन, ग्लास ट्यूब आपको बहुत क्लियरली दिख जाएगी। ये देखो, दिख रही है बीच में मैम यस ये यस वाली, ये यस नीचे नीचे, 1 मिनट, ये देखो ग्लास का पूरा बना हुआ ना एक ट्यूब। मैम यहाँ यस पे एक वी शेप में आपको वायर्स दिख रही हैं ग्लास ट्यूब से निकलती हुई। मैम यस 1 मिनट, 1 मिनट, अब देखो, अब दिखेंगी अच्छे से। दो वी शेप में वायर दिख रही हैं। यस इन वायर्स, ये जो वायर्स है ना, ये फिलामेंट को होल्ड करके रखती है। अब फिलामेंट हवा में तो लटकेगा नहीं अकेला, कोई पकड़ने वाला भी चाहिए ना उसको, तो ये जो दो एक्सक्यूज वी शेप वायर्स है ये फिलामेंट को होल्ड करके रखती है। मी हाँ जी बेटा, मैम, जो आपने दो पिंच बताई थी हाँ वो तो होल्डर में रखने को होती है बल्ब को। हाँ ये तो, ये इसी के अंदर, ये जो मैंने टर्मिनल तो इसको बोला ना, ये तो, ये फिर करंट पास करने में हेल्प करेंगे ना। ये होल्ड कर दिया, इन पिंस ने बल्ब को होल्ड कर दिया, बट जा तो इसी के थ्रू रहा है ना करंट। इसने होल्ड किया, एक टर्मिनल के साथ एक कनेक्ट हुआ, दूसरे के साथ दूसरा कनेक्ट हुआ। इस चीज को तो हम कनेक्ट नहीं कर सकते ना, ये तो जब बल्ब जाएगा तो ये चीजें टच हो जाएंगी, ठीक है? ओके, ओके मैम, चलिए, दिस इज फॉर टुडे। आपके पास वर्कशीट नहीं है बेटा? नहीं तो हमें वर्कशीट करनी थी। अगर आपको मिल जाती है वर्कशीट तो बेटा इसके स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन शायद आप कर सकते हो। बाय। चलिए फिर हम क्लास में डिस्कस करेंगे वर्कशीट, ठीक है बच्चे? थैंक्स बाय बेटा, बाय मैम, बाय बाय बेटा, बाय।